नमस्कार दोस्तों, कंप्लीट पोल्ट्री फार्मिंग सॉल्यूशंस बाय सोनू सांगवान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं एक पेरेंट बर्ड का जो ब्रूडर होता है, बैटरी केज में जो ब्रूडर तैयार किया गया है उस फार्म में। तो दोस्तों, आज इस फार्म में अभी पेरेंट आने वाले हैं और वो आ भी चुके हैं और उनको अब इस केज में डालना बाकी है। पहले उनमें वैक्सीन होगा, उसके बाद उनको इस केज में डाला जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि पेरेंट बर्ड को इनमें डालने से पहले या पेरेंट बर्ड आने से पहले क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और साथ साथ बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें स्प्रे की गई थी, 2 से 3 बार फार्मोलिन की स्प्रे की गई थी और जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जाते हैं अच्छी, तो उनकी स्प्रे पहले की गई थी। अब उसके बाद इसमें इसको 2-3 दिन खाली रखा गया था, उसके बाद अब आज इनमें पेरेंट बर्ड आने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, नीचे केज में इन्होंने अखबार न्यूज़पेपर लगा रखे हैं जिससे कि बर्ड नीचे न जाए और बर्ड को बैठने में कोई दिक्कत ना हो, कम्फर्टेबल रहे। तो देखिए दोस्तों, ये केज हैं और इनमें साथ ही साथ ये निप्पल लगा रखी हैं। ये थोड़ा नीचे, बड़े बर्ड में ये निप्पल ऊपर की तरफ आती हैं लेकिन छोटे बर्ड के लिए नीचे कर रखी हैं। और दोस्तों, इनमें पूरी व्यवस्था है गर्मी के लिए, यहाँ कूलिंग पैड लगा रखे हैं, देखिए दोस्तों पूरा, और सीलिंग फैंस भी लगा रखे हैं और लाइट भी। दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, पूरा प्रॉपरली इन्होंने लाइट की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि पहले 7 दिन के लिए छोटे बर्ड के लिए सबसे मेन चीज़ यही होती है कि उसको लाइट प्रॉपरली मिले, पूरी मिले, अच्छे से मिले। तो इन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है दोस्तों। और चलिए अभी हम आपको पेरेंट बर्ड भी दिखाते हैं, जो वेंकी के जो बर्ड आए हैं उनका दिखा देते हैं। ये हैं दोस्तों इनके छोटे ड्रिंकर, ये बर्ड के लिए ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं छोटे ड्रिंकर। ये देखिए दोस्तों, छोटे ड्रिंकर इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रिंकर दोस्तों अभी साफ़ नहीं है, ये दूसरी चीज़ के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन ऐसे साफ़ ड्रिंकर भी इनमें लगाए जाते हैं जिससे कि बर्ड सीधा निप्पल से पानी की आदत उसको ना भी रहे तो छोटे ड्रिंकर से उसको पानी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये व्यवस्था बहुत अच्छे से कर रखी है इन्होंने। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जो बर्ड आए हुए हैं वो। ये हैं दोस्तों वेंकी के पेरेंट चिक्स और ये हैं इनकी क्वालिटी है 400 Y। और दोस्तों, सर्दी के मौसम के लिए इस ब्रूडर में देखिए ऑटोमेटिक बत्ती भी लगाई हुई है। सर्दी के मौसम में भी टेम्परेचर की कोई दिक्कत नहीं आती, ये बत्ती है जो ऑटोमेटिकली काम करती है। पानी के टैंक की व्यवस्था भी इन्होंने कर रखी है। देखिए दोस्तों, पूरा शेड इन्होंने ऊपर से पूरा बंद है। शेड में, ऑटोमेटिक शेड में सबसे मेन बात यही होती है कि ऑटोमेटिक शेड यदि आपको सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें कहीं भी कोई लीकेज नहीं रहनी चाहिए। तो इन्होंने पूरा प्रॉपरली सेटअप कर रखा है। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे जो बर्ड में जो वैक्सीनेशन होगा वो किस तरह से किया जाएगा। ये हैं दोस्तों फीडर के लिए, जो छोटे बर्ड को हम फीड डालते हैं, तो इनमें धूल मिट्टी वगैरह रह जाती है। स्प्रे वगैरह सफाई करने के बाद भी 1-2 दिन का भी टाइम मिलता है, इनमें धूल मिट्टी वापस आ जाती है। तो बर्ड को यहाँ उतारने से पहले इनकी भी साथ में सफाई की जाएगी। देखिए दोस्तों, कपड़े से पहले फीडिंग की लाइन को साफ कर रहे हैं जिससे कि बर्ड के लिए कोई भी मतलब हवा से कोई धूल वगैरह या कोई मिट्टी के कण उसके सांस के साथ उसकी नाक में न जाए। यदि धूल मिट्टी रह जाती है और कहीं भी कोई धूल के कण उड़ते हैं हवा से तो वो बर्ड के लिए नुकसानदायक होता है, बर्ड को सांस लेने में दिक्कत आती है और बर्ड में आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है। ये जो आपके नॉर्मली हम देखते हैं जो खर खर की आवाज़ आती है वो
इसी वजह से आती है कि हवा में धूल मिट्टी के कण होते हैं या किसी और चीज़ के कण रह जाते हैं, तो उस वजह से ये खरखर की आवाज़ पैदा हो जाती है। तो उसके कारण ये देखिए दोस्तों, इसमें धूल बची हुई है, तो इसको साफ करने के लिए ये कपड़ा इसके अंदर से लगाया जाएगा। ये है दोस्तों एवियन इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वैक्सीन, जो भी बर्ड को केज में उतारने से पहले स्प्रे के द्वारा उनके ऊपर इसका छिड़काव किया जाएगा। इसको पानी में मिक्स करके डाला जाता है, इसको पानी में मिक्स करके डाला जाता है और फिर बर्ड के ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है। ये है दोस्तों इनकी वैक्सीन, डाइल्यूट फॉर सेल एसोसिएटेड लाइव पोल्ट्री वैक्सीन है। ये 400 ml का एक पाउच है और इसमें 2000 डोज है। ये वैक्सीन दोस्तों 0.2 ml पर बर्ड के हिसाब से इनको दिया जाएगा और सभी बर्ड में पहले वैक्सीन किया जाएगा। तो वैक्सीन जो होगा उसकी भी प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा। ये एंड्रोफ्लोक्सेसिन 10% ओरल सॉल्यूशन, इसको हमें एनोसिन भी बोलते हैं। ये पीने के पानी में इनको अभी साथ दिया जाएगा जो जब बर्ड केज में हम डालेंगे। ये एंटीबायोटिक की जगह काम करती है दोस्तों। और ये इसके साथ है स्ट्रेस वेल, जिसको हम विटामिन भी बोलते हैं, ये भी पीने के पानी में साथ में दिया जाएगा। एंडोसिन के बाद स्ट्रेस वेल। सबसे पहले दोस्तों इनको गुड़ का पानी दिया जाएगा। गुड़ का पानी ख़त्म होने के बाद इनको एंडोसिन का पानी और उसके बाद इनको स्ट्रेस वेल का पानी पिलाया जाएगा। ये जो हम जो स्प्रे करेंगे उसके लिए ये मेडिसिन को हम मिक्स कर रहे हैं पानी में। ये 1 लीटर या अप्रोक्स लगभग 1 लीटर पानी है, इसमें ये दवाई मिलाई जाएगी और फिर इसके द्वारा हम उन पे जो बर्ड हैं हमारे छोटे बच्चे हैं उन पे इसके द्वारा छिड़काव किया जाएगा सभी बर्ड्स पे। ये जो स्प्रे करने के लिए मेडिसिन है, ये एक जो वाइल है इसमें 1000 डोजेज हैं, 1000 बर्ड के लिए एक वाइल है। तो हम हमारे 11000 बर्ड है, तो हम 11 वाइल खोल के पानी में मिक्स करेंगे और उसके बाद बर्ड्स पे इसका छिड़काव होगा। इसको हम ID 120 बोलते हैं। तो स्प्रे किया जाएगी ID 120 का छिड़काव बर्ड्स पे होगा। अभी अभी जो ID 120 की जो स्प्रे तैयार की है उसका छिड़काव अभी बर्ड्स पे कर रहे हैं। ये वैक्सीन के लिए दवाई है ना, मेरेक्स की है, मेरेक्स एमडीएक्सिन मेरेक्स। और क्या मकाल में कौन जो होता लेकिन वो पर है वो ड्रिंकर था ना एक प्लास्टिक वाला ड्रिंकर ही है, बाल्टी में होगा। डाल सुन तो
ये दो डाल दीजिए, एक बार तो दो भर जाएंगे, फिर पैकेट बनानी है। ये दोस्तों तो डालनी पड़ेगी सुबह से, वैक्सीनेशन के लिए मेडिसिन तैयार की जा रही है। ये है दोस्तों एनडी की मैरक्स वैक्सीन, एडवांस मैरक्स वैक्सीन, जिससे कि बर्ड्स में मैरक्स कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए ये वैक्सीन की जाती है। और अब ये इसको मिक्स करके और बर्ड्स को दी जाएगी वैक्सीन, इंजेक्शन लगाए जाएंगे बर्ड को, जिससे कि मैरक्स की दिक्कत ना आए, मैरक्स डिजीज को दिक्कत ना रहे। ये जो स्प्रे तैयार की गई थी उसका छिड़काव किया जा रहा है। सभी बर्ड्स पे इसका छिड़काव किया जाएगा। तो ये स्प्रे बर्ड्स में लगाई जाती है, जिससे कि उनकी जाती है बीमारियों से बचे रहें, कोई कीटाणु उनको इन्फेक्ट ना कर सके। वो ऊपर रख दिया ना, ऊपर रख दिया। तो दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप ये वैक्सीन मिक्स करते हो तो इसको ज़्यादा तेज़ी से नहीं हिलाएं। यदि आप इसको ज़्यादा तेज़ी से हिलाते हो तो इसमें जो आप मेडिसिन मिक्स करते हो वो काम की नहीं रहती। इसको धीरे धीरे आराम से ऐसे मिक्स करें, ज़्यादा तेज़ी से इसको नहीं हिलाएं। तो दोस्तों अब बर्ड्स में वैक्सीनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो हम आपको दिखाते हैं इनको वैक्सीनेशन किस तरह से किया जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आराम से गले में इनकी गर्दन में ये वैक्सीन किया जाता है, ये इंजेक्शन इनकी गर्दन में लगाए जाते हैं। थोड़ा सा एक बार आराम से इनको करके दिखाएँ कि किस तरह से इनको किया जाता है। बर्ड को उठा के इसके गले की ऊपर ऊपर की जो स्किन होती है उसको पकड़ के और उस स्किन के द्वारा ही ये वैक्सीनेशन बर्ड में किया जाता है। दोस्तों इस वैक्सीनेशन में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इंजेक्शन की जो सिरिंज है वो बर्ड की हड्डी या नस वगैरह में न लगे। यदि हड्डी में बर्ड के वैक्सीन ये इंजेक्शन लग जाता है तो बर्ड की हाथों हाथ डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऊपर की स्किन पकड़ के बहुत ही आराम से आप इनको वैक्सीनेशन करें।